नमस्कार श्रोता, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक की कहानियों में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा भाग्य के ऊपर, एक दुखी विधवा माँ की कहानी। एक स्त्री होती है, उसके एक छोटा सा बच्चा होता है गर्भ में। उसके बाद उस स्त्री का पति का देहांत हो जाता है, जिसका पति नहीं, संसार में उसका कोई नहीं, उसकी ज़िंदगी अधूरी है। इज्जत शोहरत समाज में कोई उसका मौजूद नहीं है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। एक विधवा स्त्री जो उसके गर्भ में बच्चा होता है, उसके पति की मृत्यु होने के बाद में उसका बच्चा एक जन्म लेता है, लड़का। और वो अपने बेटे को पालने के लिए बहुत सारा काम करती है, लोगों के घर पे जाके चौका और बासन करती है, बर्तन धोती है, क्योंकि उसके घर वालों ने उसका साथ देना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पति ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद में उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और खेल रहा है, फिर भी वो घर पे काम करती थी लोगों के, फिर भी दो वक्त का उसे खाना नसीब नहीं होता था। उसका जो लड़का था वो लोगों के साथ खेलता था, घूमता था, और उस लड़के का उसने नाम बड़े प्रेम से रखा था भाग्य सिंह, क्योंकि जो भाग्य सिंह था, क्योंकि उसका भाग्य ही छीन लिया था प्रभु ने, तो इसीलिए उसने लड़के का नाम रखा था भाग्य सिंह। क्योंकि भाग्य सिंह अपनी माँ से कहता है, माँ हमारे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, और हमें गरीबी क्यों दी भगवान ने, हमें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, एक कैसी हमारी ज़िंदगी है। तो माँ बोलती से पूछता है बेटा भाग्य सिंह कि माँ बताओ ये गरीबी कौन देता है। तो माँ कहती है गरीबी सब भगवान के हाथ में है। तो वो बच्चा बोला भगवान कहाँ मिलेगा। तो माँ कह रही हैं भाग्य सिंह भगवान तो पत्ता पत्ते में हैं, रग रग में हैं, हर जगह मिलते हैं। उसके बाद में शाम को सोया भाग्य सिंह, सुबह उठा और जंगल की तरफ चल गया। वो भगवान को खोजने लगा। सुबह से शाम हो गई, खोजते खोजते जंगल में जाकर ढूंढते ढूंढते कहीं उसे भगवान नहीं मिले। जब वो उसे भगवान सही कहीं नहीं मिले, उसके बाद में वो बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। जब जंगल में बच्चा भाग्य सिंह बेहोशी की हालत में गिर गया, उसके बाद में उधर से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये बच्चा कैसा पड़ा है। उन्होंने लोगों ने बाबा का साधु का रूप बनाया और उस बच्चा को उठाया कि बच्चा आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने कहा मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से पूछना है कि आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। तो कहा बेटा आप लौट जाओ, भगवान आपको ऐसे नहीं मिलते थे। फिर लक्ष्मी माता ने कहा कि भगवान इसे आप कुछ दे दो ना, आप तो दुनिया का भला करते हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारायण ने कहा, हे माते लक्ष्मी इसके भाग्य में तो कुछ है नहीं, दुख के अलावा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने उसे एक हीरो का जड़ा हुआ हार दे दिया कि जाओ बच्चा इसे घर पे ले जाओ और आप आराम से रहना। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए थोड़ी देर चल के, और उसे हीरो का हार मिल गया और वो चलने लगा, क्योंकि उसका भाग्य में कुछ लिखा नहीं था, दुख के अलावा कुछ था ही नहीं, दुख ही दुख लिखा था भाग्य सिंह के। जब वो बच्चा हार लेकर चला गया, चलते चलते उसे रास्ते में एक शौच क्रिया लगी, लेटरिन जिसे बोलते हैं, पाखाना बोलते हैं। तो वो उसने तालाब के किनारे एक पत्थर पे वो हार रख दिया मोतियों का, और शौच क्रिया करने के बाद में जब उसने देखा कि एक चील आ रही है और उस हार को दबा के उड़ गई है। अब वो बच्चा रो रहा है और बहुत दुखी हो रहा है। जब वो घर पे पहुंचा तो उसने माँ को बताया कि माँ मुझे आज एक हीरो का हार मिला था, मैंने शौच की तो हार चील
उड़ा लेगी। तो माँ बोली कि भाग सिंह, तुम ऐसे ही बातें करते रहते हो, क्या पागल हो गए? नहीं, उसने कहा, माँ मैं पागल नहीं हुआ हूँ। उसके बाद में वो दोबारा पहुँचे विष्णु भगवान के पास में, थोड़ी दूर पे लगाई आवाज और पहुँच गया। तो विष्णु भगवान बोले कि चलो मैं तुम्हें ब्रह्मा जी के पास ले चलता हूँ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा इस बच्चे की कुछ मदद किया कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसकी क्या मदद करूँगा, इसके भाग्य में तो कुछ है नहीं, दुख के अलावा कुछ है नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने उसे एक हीरे से जड़ी हुई अंगूठी दे दी। जब जड़ी हुई अंगूठी एक दे दी, वो चल दिया खुश होके कि इस अंगूठी को बेचकर मैं अपनी सारी ज़िंदगी कमाऊँगा। जब अंगूठी लेकर बच्चा चल दिया भाग्य सिंह, रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। उसने कहा चलो पानी पी ले हैं। जब उसने पानी पिया तो उसकी जेब से, जो ऊपर की शर्ट में जेब होती, उससे अंगूठी निकलकर पानी में, जल में गिर गई और उस अंगूठी को एक मछली ने निगल गई। अब बच्चा बहुत रोया और कहा अब मैं क्या करूँगा। फिर बच्चा रोता रोता चला गया, फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी से कहा कि चलो आपकी मैं आपको भगवान भोलेनाथ के पास ले चलता हूँ। जब भाग्य सिंह भगवान भोलेनाथ के पास गया और वहाँ पर पहरा दे रही थी, जब वहाँ पे भगवान शिव के पास गया और शिव ने देखा कि ये गरीब बालक है, उसके लिए भगवान शिव ने एक लोटे में हीरे भर के दे दिए कि जाओ बच्चा गुजर करो जाके, क्योंकि भगवान जानते थे भोलेनाथ की इसके भाग में तो कुछ है नहीं, दुख के अलावा कुछ है नहीं। जब वो हीरा का लोटा घर पे लाया और उसने रखा, उस समय उसकी माँ घर पे नहीं थी। वो माँ को बुलाने के लिए, खोजने के लिए चला गया। उसके बाद माँ जब आई तो देखा वो लोटा गायब था। जब लोटा गायब था, बच्चा रोने लगा कि माँ मैं हीरो का लोटा लाया था, वो भी गायब हो गया, मेरे भाग्य ने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया है, मेरी किस्मत में दुख के अलावा कुछ नहीं है। बेटे को बहुत अपने ऊपर गुस्सा आया और नाराज़ हुआ। उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आपका भाग्य दुखी है, तो आप क्या करो, आपकी ज़िंदगी में ही दुख लिखा लिखा है। तो उसके बाद में भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कि जाओ आप, भगवान शिव का मंदिर है जहाँ शिव का दरबार है, वहाँ आप जाना और दिलदार करना, उनका दीदार करना, उनके दर्शन करना, और उनसे कुछ भी नहीं मांगना, मांगना कुछ मत, खाली में उनसे दर्शन करना और उनसे चले आना। जब वो बच्चा भाग्य सिंह उस भगवान शिव के मंदिर पर गया और रोज़ जाता था, रोज़ सुबह जाता था, शाम को घर पर वापस लौट आता जाता था, कुछ नहीं कहता था क्योंकि उसका भाग्य खोटा था, भाग्य खराब था। उसके बाद में भगवान शिव की जो भाग्य देवी थी वो पहरा लगाती थी मंदिर का। उसके बाद में भगवान शिव ने कहा आप रोज़ मेरे मंदिर पर झाड़ू लगाती हो, इसके भाग्य में देखो ये मेरा भक्त है, तो इसके भाग्य में तो कुछ नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, इसका भाग्य को बदल दो। तो देवी ने इसके भाग्य पर बैठा रोता था, कहा मेरी बहुत ज़िंदगी ख़राब है, मैं क्या करूँ, उसके भाग्य पर झाड़ू लगा दी और उसके भाग्य ही बदल गया, क्योंकि रोज़ दर्शन करने से भगवान प्रसन्न होकर आपका भाग्य बदल देते हैं, चाहे आप कितने भी दुखी हो। उसके बाद में माता भाग्य देवी ने उसे एक सोने का एक सिक्का दिया। जब वो सिक्का लेकर वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में घर पे आया सिक्का लौट कर, और उसकी माँ खुश हुई और उसने उस सिक्के को बेचकर अपने घर का सामान लगाया, लाया और खाना खाया। उसके बाद में उस दिन से उसके भाग्य बदल गए। फिर भाग्य सिंह गया जंगल में, उसकी माँ ने कहा कि बेटे ब्राह्मण को भोजन कराना है, जाओ कुछ लकड़ी का इंतजाम कर लो। जब कुछ लकड़ी का इंतजाम कर, जब भाग्य सिंह लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया, उसने एक सूखा पेड़ देखा, क्योंकि भाग्य सिंह के तो भाग्य देवी ने भाग्य तो बदल दिए थे। जब
भाग्य देवी ने भाग्य बदल दिए थे। जब उसने सूखे पेड़ पर लकड़ी काटी तो उसे वो ही चील जो उसका हीरो का हार भगवान विष्णु ने दिया था वही हार मिल गया और उसे हार देख को बहुत खुशी हुई। अपने घर पे वो आ गया। जब वो घर पे आ गया और वो बहुत खुश होने लगा क्योंकि उसकी सारी जिंदगी बदल चुकी थी, भाग्य बदल गए थे भगवान भोले भगवान की कृपा से, भोले शंकर की कृपा से। फिर उसकी माँ ने कहा चलो अब मुझे कुछ व्यापार करना चाहिए। फिर वो मछली लेके आई। जब मछली लेकर आई मछली को मारा और देखा क्योंकि मछली मर चुकी थी। जब उसको फाड़ा तो उसी मछली में से कि वो ही हीरे की अंगूठी निकली जो उसे ब्रह्मा जी ने दी थी। क्योंकि उसके भाग्य बदल चुके थे, सब दरवाजे खुल चुके थे, उसे अंगूठी भी मिल गई। अब सवाल था जो लोटा का जो उसे चोर चुला गए थे हीरे का, क्योंकि वो एक दिन भ्रमण करते करते जंगल में पहुंच गया। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। उसने कहा कि मुझे कोई पात्र मिल जाए जिससे मैं पानी पी लूँ, जल पी लूँ, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा लूँ। फिर उसे देखा कि वो ही लोटा मिल गया हीरो से भरा हुआ और उसने अपनी प्यास बुझा ली और वो बहुत खुश हो गया। अगर आपके भाग्य में दुख के अलावा सुख नहीं हो तो आप मंदिर में जाइए और भगवान के दर्शन कीजिए, दीदार कीजिए, कुछ मत मांगिए। सिर्फ यही काम करते करते आपके भाग्य एक दिन बदल जाएंगे। कुछ मत मांगिए, सिर्फ भगवान को याद रखिए। नारायण नारायण नारायण। जैसे भाग्य सिंह के भाग्य बदल गए, एक दुखी विधवा माँ के जो भाग्य थे बेटे के वो बदल गए। एक माँ के सब कुछ छीन लिया था, आज सब कुछ उसका सही हो गया है। क्योंकि स्वाग तो वापस नहीं मिल सकता है, मगर उसकी ज़िंदगी जो दुखी थी अब वो सही से चलने लगी है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा मेरे भाग्य में जब दुख है तो हमेशा मुझे दुख में ही काटना चाहिए और अपने मन को नहीं चलाना चाहिए। सिर्फ भगवान के आगे झुकना चाहिए, भगवान के मंदिर में झुकना चाहिए, क्योंकि भगवान ही आपके भाग्य को बदल सकता है और किसी में ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदल दे। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।